हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड सो स्टूडेंट्स टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ क्लास फोर टीवीएस व्हिच इज चुस्किट गोज टू स्कूल एंड दिस इज लास्ट चैप्टर आल्सो ये आखिरी चैप्टर है आपके एवीएस का चुस्किट स्कूल जाती है तो चलिए देखते हैं क्या न्यू है चैप्टर में क्या नया है चुस्कित के स्कूल जाने में एंड सिंस दिस इज द वेरी फर्स्ट वीडियो तो इसमें हम लोग चैप्टर रीड करेंगे मैं आपको एनसीआरटी का चैप्टर पूरा समझाऊंगी साथ, साथ NCRT के क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे इसके बाद जो वीडियो आएगी आपकी उसमें हम लोग वर्कशीट एंड क्वेइज करेंगे तो उनको आप मिस ना करें इसके लिए जरूरी है वीडियो के नीचे देखिए राइट साइड में रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेलाइकन को प्रेस कर लीजिए ओके लेट्स विगेन नाउ चैप्टर ट्वेंटी सेवन चुस्कित गोज टू स्कूल चुस्कित्स ड्रीम सपना क्या था चुस्कित का टुडे इज अ स्पेशल डे फॉर चुस्कित आज चुस्कित के लिए बहुत स्पेशल दिन है इट इज सो स्पेशल दैट लास्ट नाइट चुस्कित कुड नॉट इवन स्लीप इतना स्पेशल है कि पिछली रात वो सो भी नहीं पाई डू यू नो वाई आप जानते हैं क्यों चुस्कित इज टेन ईयर्स ओल्ड चुस्कित दस साल की है बट टुडे शी इज गोइंग टू स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम लेकिन आज वो पहली बार स्कूल जा रही है टेन ईयर्स यानी कि ऑलमोस्ट आपकी ही एज की होगी फिफ्थ क्लास में स्टूडेंट दस फोर्थ uh, क्लास में टू इयर्स के होते हैं तो आप ही के जितनी है और फर्स्ट टाइम स्कूल जा रहे है, आप पिछले चार साल से स्कूल जा रहे हैं शी हैज बीन वेटिंग फॉर द डे सिंस लॉन्ग वो इस टाइम का बहुत लंबे टाइम से इंतजार कर रही थी समय का चुस्कित स्कूल इज नॉट वेरी फार फ्रॉम हर हाउस ऐसा नहीं है कि आसपास स्कूल नहीं है चुस्कित का स्कूल घर से बहुत दूर नहीं है यू हैव टू टेक अ बिग रोड एंड देन वॉक अलॉन्ग द लेक आपको एक लंबी सी रोड पे चलना है और उसके बाद लेक के साइड में चलना है क्रॉस द रिवर रिवर को क्रॉस करना है नियर द पॉपुलर ट्री जो कि पॉपुलर ट्री के पास में है एंड देन आफ्टर स्मॉल क्लाइंब और थोड़ा सा उसके बाद क्लाइंब करके ऊपर चढ़ के यू रीच द स्कूल आप स्कूल पहुंच जाएंगे दिस इज हाउ ऑल द चिल्ड्रन ऑफ स्किटपो पुल विलेज रीच द स्कूल नाम याद रखना गांव का नाम है स्किटपो पुल ठीक है यहाँ के जो बच्चे हैं वो ऐसे ही स्कूल जाते हैं ऑल द चिल्ड्रन बट नॉट चुस्कित सब जाते थे लेकिन सिर्फ चुस्कित ही नहीं जाती थी कल वो भी जा रही है तो बड़ा ही स्पेशल दिन है इसमें आप ध्यान रखना कि जाते कैसे थी ये पूरा प्रोसेस की पहले लंबी सी रोड लेती थी फिर लेक के साइड में जाती थी फिर रिवर क्रॉस करनी होती थी जो कि पॉपुलर ट्री पॉपुलर का पेड़ आपने देखे होंगे जनरली अगर नहीं देखे मैं दिखा दूंगी आपको वर्कशीट के टाइम पर और उसके बाद थोड़ा सा क्लाइम करके स्कूल पहुंच जाते थे बच्चे जो स्कूल जाते थे ये देखिए यहां पर पूरी आपको जर्नी बताई हुई है ओके चुस्कित अमंग फोटोग्राफ फ्रॉम लद्दाख ये ये कहने का मतलब है चुस्कित लद्दाख में रहती है ये देखिए यहाँ पर पूरा की कैसे कैसे वो जाएगी वो आपको दिखा लंबी सी रोड लेगी फिर थोड़ा चढ़ेगी ये देखिए शायद से दिस माइट बी द स्कूल ओके हाउ डू यू गो टू स्कूल आप स्कूल कैसे जाते हैं बाय बस बाई फुट पैदल जाते हैं अगर आपका घर दूर नहीं है बाय साइकिल कैसे जाते हैं वो आप यहाँ लिखेंगे फाइंड आउट वेयर लद्दाख इज पता करिए कहां लद्दाख है एंड वट काइंड ऑफ अ प्लेस इट इज देखिये लद्दाख मैं आपको इंडिया के मैप में दिखा देती हूँ ये देखिए ये इंडिया का मैप है और यहां से ये जो आर्टिकल 370 के बाद हुआ है इसमें जम्मू एंड कश्मीर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है एक पार्ट है लद्दाख एंड दिस इज जम्मू कश्मीर तो कहने का मतलब है ये ऊपर का पार्ट जो है ये लद्दाख है हमेशा बर्फ से ढका रहता है बैरन लैंड है इसको एक्चुअली कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है ठंडा रेगिस्तान क्योंकि रेगिस्तान की तरह यहाँ पर भी पानी की कमी है सब कुछ वैसा ही है पेड़ पौधे नहीं है लेकिन ये बहुत ठंडा है जो कि रेगिस्तान थोड़े से उल्टे होते हैं गर्म होते हैं ओके तो ऐसा प्लेस है लद्दाख मैप में आप को हो सकता है पूछ ले शो करने के लिए आ जाए तो आप बता सकेंगे चलिए आगे आते हैं एट फर्स्ट चुस्कित डिड नॉट नो दैट देयर वॉज डिफरेंट ट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन पहले तो चुस्कित को पता ही नहीं था कि वो बाकी बच्चों से अलग है बट स्लोली शी फाउंड दैट शी कु नॉट डू द थिंग्स दैट अदर चिल्ड्रन कुड लेकिन बाद में उसको पता लगा कि बाकी बच्चे जो चीज कर सकते हैं वो शायद वो नहीं कर सकती इट वॉज बिकॉज ऑफ हर लेग और ऐसा क्यों है उसके एक पैर की वजह से सिंसबर चुस्कित कुड नॉट यूज हर लेग्स बचपन से ही ऐसा था कि चुस्कित अपने पैरों को यूज नहीं कर पाती थी उसके पैर साथ नहीं देते थे शायद यही रीजन है कि इस पिक्चर में चुस्कित के फादर को आप देखिए वो उसको जो है अपने बैग के ऊपर कमर पर लेकर जा रहे हैं ओके और वहां पर रास्ता इतना ईजी नहीं है कहीं आपको चढ़ना पड़ता है लंबी रोड है रिवर को क्रॉस करना पड़ता है इसलिए भी शायद चुस्कित स्कूल नहीं जा पाती होगी चलिए इसको पढ़ के हमें रीजन पता लगा अब बात करते हैं चुस्कित चेयर चुस्कित की चेयर की एट ऑल चुस्त यूज टू सिट नर द विंडो पूरा दिन ऑल डे चुस्कित जो है वो एक विंडो के पास बैठी रहती थी ड्रॉ पिक्चर्स पिक्चर ड्रा करती रहती थी हर मदर जिसे वो अमा ले कहती हैं सेट दट चुस्कित मेड द बेस्ट ड्राॅइंग्स वो कहती है कि चुस्कित सबसे अच्छी ड्राॅइंग बनाती है दिस मेड चुस्कित हैप्पी चस्कित खुश हो जाती है ये सुन के बट चुस्त वन डे हर फादर जिसे वो आबा ले कहती हैं गॉट अ चेयर विच आर व्हील्स लेकिन वो बहुत खुश तब हुई जब उसके फादर एक चेयर उसके लिए लेके आए जिसमें नीचे पहिया थे अब वो अपने आप कहीं चल सकती है एटलीस्ट है ना उसके सहारे आपने देखा भी होगा जिन बच्चों के पैर काम नहीं करते जिनके भी वो व्हील चेयर पर चलते हैं ऐसी चेयर जिसमें व्हील्स हों शी क्विकली लर्न हाउ टू सिट इन द चेयर उसने जल्दी सीख लिया कैसे चेयर पर बैठा जाए एंड हाउ टू मूव इट और इसको कैसे मूव कराना है बैक एंड फोर्थ आगे पीछे कैसे उसको मूव कराना है चलाना है कैसे उस पर बैठना है जल्दी चुस्कित वो सीख गई आपको यहाँ पर ये यह दिख भी रही होंगी ओके okay? चुस्कित वो सो हैपी बिकॉज नाउ शी डिड नॉट नीड हर फादर टू कैरी हर एवरीवेयर चुस्कित इसलिए बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि अब उसको उसके फादर की जरूरत नहीं पड़ेगी हर जगह ले जाने के लिए वेन शी वॉन्टेड टू गो आउट जब वो बाहर जाना चाहेगी शी वु टेल हर मदर टू पुट हर इन द व्हील चेयर वो अपनी मदर को कहेंगी जो कि उनको उसको व्हील चेयर पर रख देंगे नाउ शी कुड कम आउट ऑन हर ओन और अब अपने आप को बाहर आ सकती है पहले उसको बार बार उसके उनके फादर को कहना पड़ता था वुड सी द अदर चिल्ड्रन एवरी मॉर्निंग चुस्कित रोज सुबह जो है वो बच्चों को देखेगी दे वुड बी लाफिंग एंड प्लेइंग ऑन देयर वे टू स्कूल जो बच्चे की, तो की, तो की हंसते हुए और खेलते हुए जाते हैं स्कूल में शी विश दैट शी कुड गो विद देम और वो ऐसा चाहती थी कि काश वो भी उन बच्चों के साथ स्कूल जा पाए इतनी खुश जो बच्चों को दूसरों को देखती थी वन डे अब्दुल अब्दुल केम टू हर हाउस विद अ लेटर एक दिन Abdul, जो है एक लेटर लेके उनके घर आता है ही ही शी डिड नॉट गो टू स्कूल जब उस वो अब्दुल जो है वो देखते हैं चुस्कित को तो वो पूछते हैं कि चुस्कित तुम स्कूल क्यों नहीं जाती हो चुस्कित टोल्ड हिम सैडली चुस्कित बड़े दुखी होकर उनको कहती है बिकॉज आई केन नॉट वॉक मैं चल नहीं सकती हूँ आबा ले कैन नॉट कैरी मी ऑल द वे टू स्कूल एवरी डे आबा ले भी रोज मुझे स्कूल लेके तो नहीं जा सकते हैं उनके पास भी काम होगा आई कैन नॉट इवन व्हील माई चेयर एज द रोड टू स्कूल इज नॉट लेवल मैं वहां पर अपनी चेयर के साथ भी नहीं जा सकती क्योंकि स्कूल का जो रास्ता है वो सीधा नहीं है उबड़ खाबड़ है लेवल नहीं है ऑल्सो हाउ कैन आई क्रॉस द रिवर और फिर मैं रिवर भी कैसे क्रॉस करूंगी अब्दुल्लास अब्दुल पूछते हैं बट वुड यू वॉन्ट टू गो टू स्कूल इफ यू कुड लेकिन अगर तुम जा सकती तो क्या तुम स्कूल जाती जिसके जिसके एक्साइटेड शी एक्साइटेड हो जाती, जाती और कहती है अफकोर्स आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल जस्ट लाइक ऑल ऑफ यू मैं भी तुम सब की तरह स्कूल जाना चाहती हूँ आई वॉन्ट टू स्टडी एंड प्ले मैं पढ़ना चाहती हूँ और खेलना चाहती हूँ हर मामे ले ग्रैंड फादर हर मे में ले उनके जो ग्रैंड फादर हैं दादाजी स्टॉप डर एंड सेड वो को रोकते हैं और कहते हैं डू नॉट ड्रीम चुस्कित सपना मत देखो यू नो दैट दिस इज नॉट पॉसिबल तुम जानती हो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है तुम स्कूल नहीं जा सकती हो ओके नाउ द क्वेश्चन इज कौन वॉट आर द थिंग्स दैट यू एंजॉय डूइंग इन स्कूल कौन सी वो चीजें जो आपको स्कूल में करना अच्छा लगता है जैसे कि जो चुस्कित है उसको खेलना उसने कहा था मैं पढ़ूंगी और खेलूंगी आपको क्या क्या अच्छा लगता है खेलना कई बच्चों को डांस करना बहुत पसंद होता है कई बच्चों को म्यूजिक में सिंगिंग बहुत पसंद होती है, है ना कई बच्चों को अपने फ्रेंड्स से मिलना पसंद होता है मीटिंग विद फ्रेंड्स ओके तो जो भी चीजें आपको अच्छी लगती है या फिर गेम्स आपको अच्छा लगता है गेम पीरियड कोई स्पेसिफिक और कोई सब्जेक्ट हो वो आपको अच्छा लगता है वो आप यहाँ पे लिखेंगे स्कूल में क्या चीज़ आपको सबसे अच्छी लगती है डू यू लाइक गोइंग टू स्कूल सब स्कूल जाना सभी को अच्छा लगता है बच्चों को वुड यू लाइक इफ यू नेवर कुड गो टू स्कूल अभी जो सिचुएशन चल रही है शुरू शुरू में तो आपको बहुत अच्छा लगा छुट्टियां हो गई लेकिन अब सब बच्चे बोर हो गए हैं हमेशा पूछते रहते हैं मैम स्कूल कब खुलेंगे स्कूल कब खुलेंगे तो अब आपको पता लग गया होगा कि अगर आप कभी भी स्कूल ना जा पाए तो कैसा फील करेंगे आप अच्छा नहीं फील करेंगे ऑब्वियसली तो नो वुड यू लाइक नो आई वुड नॉट लाइक इट ओके अ गुड आइडिया अब एक अच्छा आइडिया है देखते हैं क्या आइडिया आता है अब्दुल को

एक ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन ने लेवल को रोड रोड को लेवल करना शुरू किया अनंतर ग्रुप वर्क टू लेवल द एरिया नियर द रिवर दूसरे ग्रुप ने रिवर के पास का जो एरिया था उसको लेवल करना शुरू किया बट देर वॉज स्टिल अ प्रॉब्लम लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम थी हाउ वुड क्रॉस द रिवर चुस्कित रिवर को कैसे क्रॉस करेगी द ओल्डर चिल्ड्रन टू हेल्प फ्रॉम द टीचर टू मेक अ स्मॉल ब्रिज जो बड़े बच्चे थे उन्होंने अपनी टीचर से हेल्प ली और वहां पर एक छोटा सा ब्रिज बना दिया विद वुड लकड़ी से अक्रॉस द रिवर रिवर के अक्रॉस आर पार एवरी वन है सब लोग खुशी से बहुत हार्ड वर्क कर रहे थे मेहनत कर रहे थे दे वॉन्टेड चुस्किट टू कम टू स्कूल वो चाहते थे कि चुस्किट स्कूल आए चुस्किट्स आमा ले यानी कि उनकी मदर एंड आबा ले उनके फादर गॉड गेव हॉट टी एंड बिस्किट्स टू एवरी वन उन्होंने सबको चाय और बिस्किट दी जो बच्चे उसके लिए काम कर रहे थे

उसका जो सपना है वो पूरा होने वाला था एंड टूडे और आज इट वॉज द स्पेशल डे आज वो स्पेशल दिन है इट ऑलरेडी वो पूरे तरीके से तैयार है and she was eager to go to school. और वो बहुत ही ईगरली आतुर होकर उसको वेट नहीं हो रहा है वो वेट कर रही है स्कूल जाने का ओके ये देखिए यहाँ पर आपको पिक्चर में दिखाया हुआ है किस तरीके से उस नदी के चारों तरफ जो बड़े बच्चे हैं उन्होंने जो छोटा सा एक ब्रिज बनाया था उसके घर से लेकर रोड अन ईवन थी उसको इवन किया स्कूल तक कैसे आया जाए उसके लिए पूरी तैयारियां की गई चलिए बात करते हैं। किन्होंने की को तक लाने में? सबसे पहले तो अब्दुल, जिसको कि ये पूरा आइडिया आया उसके बाद हेड मास्टर जिन्होंने उसकी बात सुनी देन टीचर चिल्ड्रन ऑफ स्कूल स्कूल के जो बच्चे थे सभी ने की काम तो एक्चुअली में उन्हीं सब ने किया चिल्ड्रन ऑफ स्कूल और आइडिया ये दिया अब्दुल ने और हेडमास्टर टीचर्स ने बाकी बच्चों की हेल्प की तो इन लोगों ने हेल्प किया नाम याद रखना नेक्स्ट इज इफ यू वर अब्दुल अगर आप अब्दुल होते वॉट वुड यू हैव डन आप क्या करते तो आप भी सेम चीज करते तो आई वुड हैव डन सेम थिंग वही चीज मैं करता जो कि अब्दुल ने किया पहले सबको मनाते वो भी जरूरी था क्योंकि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते एट लास्ट चुस्कित रीच स्कूल कुड रीच स्कूल आखिरकार चुस्कित स्कूल जा सकती थी डू यू थिंक दैट क्या आप सोचते हैं शी मे फेस सम डिफिकल्टीज इन स्कूल उसको स्कूल में कुछ मुश्किलें आएंगी व्हाट काइंड ऑफ डिफिकल्टीज कैसी मुश्किल आएगी इफ़ यू वर चुस्कित्स फ्रेंड हाउ वुड यू हर अगर आप चुस्कित के फ्रेंड होते हैं तो आप उसको कैसे हेल्प करते बिल्कुल आएगी जैसे कि इन मूविंग स्टेयर्स इन मूविंग ओवर स्टेयर्स अगर सीढ़ियां उसको चढ़नी है स्कूल में तो उसके लिए उसको प्रॉब्लम आएगी शी वुड नॉट बी एबल टू प्ले बहुत सारे गेम्स ऐसे होंगे could नॉट प्ले जो वो नहीं खेल सकती जैसे कि आप पकड़म पकड़ाई खेलते हैं एक दूसरे को पकड़ते हैं ना एक, uh, कूदते हैं आप जैसे कि skipping रोप skipping होता है रस्सी कूदते हैं वो कुछ गेम्स वो नहीं खेल सकती अगर आप जो स्किप की जगह होते तो उस टाइम थोड़ा सा उसके लेवल के गेम लाते या फिर टीचर से रिक्वेस्ट करते कि क्लास टेयर्स में के ऊपर सीढ़ियों के ऊपर ना रखें नीचे ही रख लें ओके तो ये कुछ चीज़ें आप कर सकते थे इफ़ यू आर हर फ्रेंड डू यू हैव राम्स इन यूर स्कूल येस दिस इज वेरी important कई जगहों पे आपने देखा होगा एक स्टेयर्स होती हैं सीढ़ियां और उसके साइड में रैम्प बना होता है ऐसे जो कि बिल्कुल फिसलनदार होता है आप उस पर जो है जिन जो लोग चल नहीं सकते वो अपनी व्हील चेयर को मूव करा सकते हैं अगर आपके स्कूल में रैम्प है तो आप यस लिखेंगे नहीं है तो नो लिखेंगे ओके सो ये आपको आपके स्कूल के अकॉर्डिंग आंसर करना है डू यू नो एनी चाइल्ड नियर यू कि आपके घर के आसपास कोई ऐसा बच्चा है जो किसी डिफिकल्टी की वजह से स्कूल नहीं जा पा रहा वुड यू लाइक टू हेल्प सर चिल्ड्रेन येस आप और आप कैसे हेल्प करेंगे उसके पेरेंट से बात करिए जो भी पॉसिबल आप कर सकते हैं वो करिएगा पहले तो देखिए उसकी प्रॉब्लम क्या है लुक एट द बिल्डिंग अराउंड योर हाउस अपने चारों तरफ बिल्डिंग देखिए कैन अ व्हील चेयर गो इन साइड द बिल्डिंग क्या व्हील चेयर बिल्डिंग के अंदर जा सकती है ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ अ रैम्प एंड अ व्हील चेयर इन अ नोटबुक अपनी बुक में एक रैम्प की पिक्चर बनाइए और एक व्हील चेयर की पिक्चर बनाइए ओके वॉट नॉट मेक योर ओन ब्रिज वाई नॉट ओके अपना ब्रिज क्यों नहीं बनाते हैं फॉर दिस आप कुछ मटेरियल यूज कर सकते हैं जैसे कि आइसक्रीम की स्टिक लीजिए प्लास्टिक स्पून लीजिए छोटे से स्टिक्स लीजिए रोप लीजिए स्ट्रिंग धागे लीजिए रस्सी लीजिए और फिर अपने फ्रेंड की हद से एक थोड़ा छोटा सा ब्रिज बनाइए इन अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मेक अ मॉडल शोइंग फील्ड एक छोटा सा मॉडल बनाने के लिए क्या गया इसमें फील्ड हो रिवर्स हो माउंटेन्स हो रेलवे ट्रैक्स हो क्ले सैंड वगैरह ट्विग्स आप यूज कर सकते हैं पत्तियां वगैरह और ये लास्ट पेज है आपका जिसमें आपको चुस्कित को स्कूल भेजना है ट्रेस करके यहाँ से तो यहाँ से लेके चलेंगे चुस्कित को ये रास्ता ऐसे जाएगा एक सेकेंड सॉरी यहाँ से ऐसे देन लाइक दिस ऐसे मूव करेंगे यहाँ से ऐसे 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 ये तो बंद है आगे जाके तो यहाँ से नहीं जाएंगे यहाँ से इधर से घूम जाएंगे लाइक दिस 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 और ऐसे उसको स्कूल पहुँचा देंगे सो so, ये आप अपनी बुक में कंप्लीट कर लेंगे एंड दैट सॉल ये था आपका चैप्टर चुस्कित गोज़ टू स्कूल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बहुत जल्दी इसकी वर्कशीट और क्विज भी अपलोड कर दी जाएगी तो उनका वेट करिएगा